मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूँ इसका एक पुजारी। है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र अनोखा विश्वविद्यालय है, जो विकलांग भाई बहनों को शिक्षित करके समाज की धारा से जोड़कर उन्हें गौरव प्रदान करता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो इसके संस्थापक हैं, वे स्वयं भी प्रज्ञा चक्षु हैं और इस कारण विकलांगों की पीड़ा को वे औरों से ज्यादा महसूस करते हैं। इस विश्वविद्यालय को UGC की समग्र मान्यताएं प्राप्त हैं, जिसमें केवल विकलांग छात्र छात्राओं के लिए BA, MA, PhD, जनरल BEd, MEd, स्पेशल BEd, MEd और कंप्यूटर के कई कोर्स तथा संगीत और पेंटिंग के कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षण, आवास एवं अत्यंत अल्प मूल्य पर भोजन दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रकार से सहयोगी बनकर पुण्य के भागी बने। संस्था के पास ATG आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र है। हमारा पता, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 05198224481 या 224413 और 07670265478। सीताराम नमो नमः। अथ ध्यानम्। हरिः ॐ मा मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् कविभ्यं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादकाभ्यां नमो नमः। सिद्धबालः सर्वसिद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः। सेतः सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये। कर्णाज्यामा अबलिप्ता रुद्रानभोरूपाः। पार्जन्याः स्नानं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवे श्रियं गन्धं विलेपयामि। अक्षन्नमे मदन्ते जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शोभानवो विप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि। अक्षतां समर्पयामि। ओखदेः प्रतिमो दद्धं पखवतेः प्रशोभरेः। अश्वा इव सजित्वरेर्भेरुदः पारविष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहो राजन्यः। कृतः गुरो तदस्य जद्वैश्यः पतिभागुशूद्रो अजायत। धूपम् अघ्रापयामि। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय। हरिः ॐ मानाभ्या आशेदन्तरिक्षगुंशेष्ण दोः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। जलेन सम्प्रोक्ष ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य। ॐ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषाणं समर्पयामि। जाहा फले निर्जा अफला अपुष्पा जा सपुष्पेणेः। बृहस्पते प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः। फलं निवेदयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रवदक्षिणं समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य
पादुकाभ्य तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ वर्तमान श्रीमज्जगद्गुरूणां पूजनम्। मैं चाहूंगा जोरदार ताली, बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता आप सबके चेहरे पर। ओम मां बृहस्पते आदि जादर्यो आरे हादिव मत विभाते क्रतो मां जनेखो जद्दे दायच्छवा सरिता प्रजात तादसमा शुद्रवेणं देहि चित्रम् श्रीसीतानाथ समारम्भम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान। परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली उनके लिए आप सब की तरफ से। भद्रं पश्ये माक्षभिर्जाजतराहस्थिरैरङ्गैस्तुष्टोवाघुंसस्तनोभिर्व्यासे महेदे जदायो हो धर्म की। सभी जयकारा जोर से बोले, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री रामानुजाचार्य भगवान की, हर हर महादेव। और इस नारे से एक महापुरुष की याद मुझे आई, स्वामी करपात्री जी महाराज की, जिनके दरबार में इस तरीके का जोरदार नारा लगा करता था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में जबकि दो दो महान संत हमारे बीच मौजूद हैं, सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि और जानते भी, हम सभी ज्ञातव्य है कि नौ दिनों की कथा, श्री राम कथा यहाँ पर होने वाली है और आज इस कथा का पहला दिन होगा, जबकि परम पूज्य पूज्यपाद पूज्य चरण प्रातः वंदनीय नित्य वंदनीय स्नेह के आगार कल्याण के आगार स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज अपने मुखारविंद से हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। और जो कुछ भी ऐसे महान लोग कहते हैं, निसंदेह कहा गया कि महाजनो येन गता सपन था, जो कुछ भी महान पुरुष करते हैं कहते हैं या जो कुछ भी इनका आचरण होता है वो अनुकरणीय होता है। ऐसे पूज्य महाराज जी जिन्होंने इस पावन धरा पर जन्म नहीं लिया है बल्कि मैं कहूंगा कि आपका अवतरण हुआ है ऐसे महान पुरुष का। और इस बीच माननीय श्याम बाबा जी और साथ ही साथ पूज्य श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज दंडी आश्रम बिहार घाट से, उनका भी यहां पर पदार्पण हुआ है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। और ये शंख ध्वनि अब होने वाली है, कुछ विशेषता तो जरूर है शंख ध्वनि। ऐसे महापुरुषों के अवतरण से निसंदेह एक नए जगत का, एक नए युग का सूत्रपात होता है। दो महापुरुष, महान संत, परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनके सामने कुछ भी बोलना मानो सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा होगा। और साथ में परम पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज, जो कि काशी के सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर हैं पूज्य महाराज जी। और ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो सही मायने में जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं। बड़ा ही मैं चाहूँगा कि आप सबकी तरफ से जोरदार ताली बजनी चाहिए। हाथ ऊपर करके आप सभी ताली बजाएं, हाथ ऊपर करके।
और अलीगढ़ के पास स्थित ये छर्रा जो स्थान है जहाँ की श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जो इसके स्वामी हैं अरविंद डेयरी के, इसके भव्य प्रांगण में इस तरीके की कथा का भव्य आयोजन किया जाना निसंदेह अपने आप में परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा का द्योतक है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम सभी दीप प्रज्वलन का कार्य शुरू करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी जी हमारे श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी महाराज मंच पर विराजमान रहेंगे, लेकिन पावन सानिध्य पूज्य महाराज जी का रहेगा। और मैं निवेदन करूँगा श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज से, मैं निवेदन करना चाहूँगा इसी श्रृंखला में हमारे जो दो और संत हैं माननीय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज दंडी आश्रम बिहार घाट से, श्री श्याम सुंदर जी ब्रह्मचारी से, कि कृपया इस दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जो मुख्य यजमान है इस कार्यक्रम के, अरविंद जेरी जहाँ की ये कार्यक्रम चल रहा है जिसके प्रांगण में, वो भी कृपया आए दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बटाने के लिए। और श्रद्धेय श्री महेश चंद गर्ग जी अलीगढ़ से, माननीय श्री रमेश चंद जी गर्ग से निवेदन की कृपया वो भी आएँ। माननीय श्री राजेश भरद्वाज जी महाराज जी ने अपने संस्कृत उद्बोधन के दौरान दोनों लोगों को, श्री राजेश भरद्वाज जी को, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी को, जैसे कहा जाए कि एक साथ कभी कभी जब टाई हो जाता है किसी मैच में या किसी पुरस्कार के दौरान तो दोनों लोगों को साथ देना पड़ता है, महाराज जी ने दोनों लोगों को एक साथ आशीर्वाद दिया। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। मैं निवेदन करूँगा मंच पर माननीय श्री रामकिशन जी जो खुर्जा से हैं, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि माननीय श्री केसर सिंह जी गुप्ता जो मेरी दिल्ली अखबार के मालिक हैं, स्वामी हैं, और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि माननीय श्री केसर जी गुप्ता जी भी दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच पर आए, और आने में देरी हो रही है इससे मुझे लग रहा है कि दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मैंने कहा था कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान लेने वालों में नाम था माननीय श्री केसर सिंह जी का, मैं उद्घोषक था, और अब मुझे लग रहा है कि वरिष्ठ नागरिक होने का असर थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है माननीय केसर सिंह जी पर। और जब दीप प्रज्वलित किया जाएगा तो ये जो दीप है ये गुरुदीप है, ध्यान रखिएगा गुरुदीप है ये, जो प्रलय की आंधियों में भी अंत तक जलता रहता है। एक ऐसा दीप चाहे आंधी आए, तूफान आए, बड़ी से बड़ी बयार आए, पर इस दीप का कुछ नहीं होता क्योंकि ये गुरुदीप है, मंदिर को समर्पित एक ऐसा दीप जो प्रलय की आंधियों में भी अंत तक जलता रहता है। मैं चाहूँगा कि पूज्य महाराज जी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए इस समय शंकराचार्य जी महाराज हमारे स्वामी नरेंद्रनंद जी, और महापुरुष जब एक दूसरे से कुछ कहते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर बात क्या चल रही है, पर हमें पता नहीं चल पाता, और इस भी जोरदार ताली सबकी बजी और महाराज जी का आशीर्वाद। जब ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ज्योतिर्वर्ज सूर्यो भर्जो ज्योतिर्वर्ज स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। इस श्रृंखला में सबसे पहले पूज्य महाराज जी का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी को, कि कृपया पूज्य महाराज जी का फूल माला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें, साथ में आपकी धर्मपत्नी भी आए। माननीय श्रीमती हृदयेश गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए मंच पर और पूज्य महाराज जी का फूल माला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री राजेश भरद्वाज जी से जो वाइस चेयरमैन है नवोदय विद्यालय उत्तर भारत के, साथ ही साथ अल्पाइन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन भी हैं, वो भी कृपया परम पूज्य श्रद्धे रामभद्राचार्य जी महाराज का स्वागत करें। और उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी से और साथ में उनकी धर्मपत्नी जी और साथ में श्री राजेश भरद्वाज जी से कि हम सबके श्रद्धे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज का भी स्वागत किया जाएगा जो एक शंकराचार्य हैं और एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में आज जाने जाते हैं पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी एक ऐसे महापुरुष जिन्हें कई बार हमने देखा भी है और हम सभी सुनते भी हैं, तो जो भी हमारे संत हैं निसंदेह कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता, संत मिलते नहीं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। और इस बीच
अलीगढ़ से श्री सुरेश गर्ग जी से भी निवेदन है कि कृपया वो माल्यार्पण के लिए आगे आएंगे। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं और लोगों का नाम कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य श्री से मैं विनती करूंगा, कुछ लोग और हैं जिनमें श्री महेश चंद गर्ग जी अलीगढ़ से, श्री राधेश्याम पारिक जी राजस्थान से, श्री कृष्णपाल गंगवाल जी, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्री प्रदीप कुमार जी दिल्ली से, श्री अनिल कुमार जी दिल्ली से, श्री मनोज बंसल जी। मैं पूज्य महाराज जी से क्षमा यार्थी हूँ, कुछ औपचारिकता होती है जिसमें कोई बात नहीं, कहीं कहीं जोर नहीं चलता, बस नहीं, नहीं चलता, चिंता नहीं, यहाँ बस मत चलाइए। श्री मनोज बंसल जी से निवेदन है, श्री सन्नी, मिस्टर सन्नी, मिस्टर उमेश, मिस्टर मदान दिल्ली से, माननीय श्री धर्मेंद्र जी, माननीय श्री राकेश जी से निवेदन की कृपया पूज्य महाराज जी का फूल माला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लेंगे। स्वागत सभी महिलाओं की तरफ से, एक माला होगा लेकिन भाव सबका होगा। बहन पूनम भरद्वाज जी भी यदि यहाँ पर हैं तो वो भी, पूज्य महाराज जी ने फिर टाई कर दिया है और बुआ जी का स्वागत अब किया जाएगा। सभी बहने हमारी जो सत्संगी हैं जोरदार ताली बजाएंगी क्योंकि ये आप सबकी तरफ से है। बुआ जी का स्वागत किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा इस बीच पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद देने के लिए माननीय श्री धर्मेंद्र जी से, माननीय श्री राकेश जी से कि कृपया मंच पर आए, पूज्य महाराज जी का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें। माननीय श्री अरविंद जी गुप्ता, माननीय श्री अभिषेक जी, माननीय श्री ललित जी और जो हमारे दो संत बैठे हैं बाईं तरफ उनका भी स्वागत किया जाए। माननीय स्वामी श्रद्धे स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी दंडी आश्रम बिहार घाट से, श्री श्याम सुंदर ब्रह्मचारी जी का भी स्वागत करेंगे हम सभी। मैं पूज्य महाराज जी के स्वागत के समय यही कहूंगा, सारे जगत को प्रेम करने वाले, सारे जगत को प्रेम करने वाले, तुझको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जिसकी श्वासों में हो खुशबू उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं। पूज्य महाराज जी जिनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतनी विराटता है, और साथ में श्रद्धे शंकराचार्य जी जो काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर हैं, माननीय श्रद्धे शंकराचार्य नरेंद्रन जी महाराज, दोनों ही दिग्गज हस्तियां और जिनके सामने मैं हिमाकत करके कुछ बोल ले रहा हूं और मुझे विश्वास है कि माफी अपने आप मिलती जाएगी, इसलिए कि हे गुरुवर तेरी ज्योति से नूर मिलता है, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, जो भी आ जाए तेरे दर पे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्तगण, इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री राम गर्ग जी से, श्री मझीलाल गर्ग जी, श्री जगदीश चंद गर्ग जी, श्री सुरेश चंद गर्ग जी, श्री प्रमोद गर्ग जी, आचार्य सुबोध कुमार जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया आए, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री सुबोध शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आए, पूज्य महाराज जी का फूलमाला से हार्दिक अभिनंदन करके आशीर्वाद लें। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्तगण, और इस बीच में यदि आप सभी शांत होंगे तो माल्यार्पण की इस कार्यवाही के बाद पूज्य श्री के संदेश से पहले, पूज्य महाराज जी के उद्बोधन से, पूज्य महाराज जी के संदेश से पहले, जब भी पूज्य महाराज जी का की अमृतमय वाणी हमारे कानों में गूंजेगी उससे पहले कुछ समय के लिए समय रुकेगा क्योंकि हमारे बीच हम सबके अत्यंत ही प्रिय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य नरेंद्रनाथ जी महाराज सुमेरु पीठ काशी के यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूज्य महाराज जी से इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि कृपया आशीर्वाद के दो शब्द पूज्य महाराज जी हमें जरूर सुनाएंगे और पूज्य महाराज जी का इस बीच स्वागत किया गया। मैं श्री वीरेंद्र गुप्ता जी के जो तीनों ही सुपुत्र हैं, माननीय श्री अरविंद जी, माननीय श्री अभिषेक जी, माननीय श्री ललित जी, आप सभी संतों का सम्मान करेंगे क्योंकि ये अवसर आपको जो मिला है, ये चैतन्य की घड़ी है, ये अहो भाग्य है कि आप सबको ये अवसर मिला है। मंच पर जितने भी संत हैं आप तीनों ही लोग स्वागत करेंगे और सभी संतों का सम्मान किया जाना चाहिए। पूज्य महाराज जी श्रद्धेय शंकराचार्य जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सुअवसर पर दो शब्द जरूर कहें और हमें कृतार्थ करें। श्रद्धेय शंकराचार्य जी,
गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जंबो फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परपीतवर्णां पीताम्भरणमाल्यविभूताङ्गं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्। उपस्थित राम कथा के व्यास के रूप में चित्रकूट धाम से पधारे हुए जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनकी कथा आप लोग राम का चरित्र आदर्श जो मानस के माध्यम से अवगाहन करेंगे। विश्व में अगर किसी का चरित्र अनुकरणीय है, किन्हीं के चरित्रों के मूल्यों मान्यताओं आदर्शों सिद्धांतों से विश्व पटल पर अगर परिवर्तन लाया जा सकता है तो ऐसे चरित्र के रूप में भगवान राम का चरित्र है, जिसका चरित्र अनुसरण करने से श्रवण करने से श्रवणम कीर्तनम जिसके श्रवण किया जाए कीर्तन किया जाए मनन किया जाए तो लोक के साथ साथ परलोक की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। काश्याम मरणान मुक्ति का उद्घोष भगवान शिव भी अंतिम समय तारक मंत्र के माध्यम से मुक्ति प्रदान करते हैं। और लोक में जब हम आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। संचालक ने केवल दो शब्द बोलने के लिए इशारा किया है, तो अगर आपके जीवन में दो शब्द राम अपना लें तो निश्चित है आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। राम को अगर अपने जीवन से जोड़ लिए और राम का ही स्मरण किया तो वाल्मीकि को जो महान संत की स्थिति में गए ऋषि की स्थिति में गए केवल दो शब्दों से संबंध अपने जीवन में जोड़ा तो भगवान राम का चरित्र चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन करो। आज भी हमारे यहाँ बड़ों को जब प्रणाम करते हैं मित्र किसको क्या छूकर प्रणाम करते हैं, क्या किसी को मुख छूकर प्रणाम करते हैं? आज भी हम बड़ों को जब प्रणाम करते हैं तो चरण पर मत्था टेक कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरा वक्तव्य बहुत भड़काऊ नहीं होता पर जो होगा वो सैद्धांतिक होगा। चरण छूकर प्रणाम करते हैं लोग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि मुख की अपेक्षा चरण अच्छा है तो चरण बुरा है तो बुरी बात हुई, क्योंकि हमारे मुख को पूज्य नहीं माना गया, चरण को पूज्य माना गया। पूज्यपाद कहते हैं इनको, नरेंद्रानंद जी को पूज्यपाद नरेंद्रानंद स्वामी, पूज्य मुख नरेंद्रानंद स्वामी किसी नहीं कहा। चरण पूज्य होता है मुख नहीं। और दूसरी बात, हमारे यहां जब जल किसी वस्तु किसी का लिया जाता है किसका लिया जाता है? कोई मुखोदक लेता है क्या? हम चरणोदक लेते हैं, हम चरणामृत लेते हैं। हमारे यहां जब फूल चढ़ाया जाता है तो चरण को फूल चढ़ाया जाता ना कि मुख को फूल चढ़ाया जाता है। उल्टे जब कोई चाटा लगाता तो मुख पर ही चाटा लगता है, चरण पर चाटा नहीं लगता। इसलिए ये कहना कि चरण से निकलने के कारण कोई नीच है, मुख से निकलने के कारण कोई ऊंचा है तो बिल्कुल गलत बात, केवल शरारत ही शरारत है। सत्य ये है कि यदि जिन भगवान के चरण से निकली हुई गंगा जी सारे संसार को पवित्र कर रही हैं, उन्हीं भगवान के चरण से निकला हुआ शूद्र है क्यों, इसका कौन उत्तर देगा?
इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जब भगवान के चरण से निकलकर गंगा जी पवित्र हैं, तो भगवान के चरण से निकलकर शूद्र भी पवित्र है। इसे ये कहना, देखे इसी से हमारी हिंदुओं की संख्या घटी है। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, पर नरेंद्र जानते हैं हमारे कभी सवर्ण अवर्ण की चर्चा ही नहीं थी। हमारे यहां पवित्रता और अपवित्रता की व्याख्या थी। जो अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रहा है, वो किसी भी योनि में रहकर, किसी भी वर्ग में रहकर, किसी भी जात में रहकर पवित्र है, और जो अपने कर्तव्य को छोड़ चुका वो किसी भी वर्ग में रहकर अपवित्र है। हमारे यहां गुणों की पूजा होती रही है। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु नच लिंगम नच वयः। इसलिए हमारे यहां शूद्र का कभी अपमान नहीं हुआ। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इस पर चर्चा कर रहा हूं और करनी चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी पहले इस प्रसंग को देखना चाहिए कि कहां का प्रसंग है। इस सुंदर कांड के 59वें दोहे की 6वीं पंक्ति है, और इसके पहले वाली पंक्ति देखें, संदेह दूर हो जाए, कुछ नहीं कहना मुझको। इसके पहले वाली पंक्ति पढ़िए। समुद्र कहता प्रभु भले की मोहि सिख दी, प्रभु भले की मोहि सिख दी, छोड़िए संस्कृत की चर्चा करते हैं। संस्कृत में एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। परोभुवो थोड़ी शास्त्रीय चर्चा करूंगा यहां। अब शास्त्र के लोग बैठे हैं, हमारे नरेंद्र जी भी हैं, सब लोग। संस्कृत में शब्दों का निर्णय करने के लिए सबसे प्रामाणिक है पाणिनीय व्याकरण। पाणिनीय व्याकरण के भाष्य में पतंजलि से पूछा जाता केशाम शब्दानाम, तो कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च। पाणिनीय व्याकरण लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों का अनुशासन करता है। उससे अधिक कोई प्रामाणिक नहीं हो सकेगा। पाणिनीय व्याकरण की व्यवस्था है अनेकार्था ही धातवः। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्था ही धातवः। परो भूव वज्ञाने अवज्ञान ग्रहण का ज्ञापन किया गया अनेकार्था ही धातवः। इसलिए जब धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे गच्छ का अर्थ जाना भी होता है, हन का अर्थ मारना भी होता है और जाना भी होता है, हन हिंसा गत्यो हो, हन में या हंति हंति माने मारे अथवा गच्छ, दोनों अर्थ होते हैं। अव धातु के 19 अर्थ होते हैं। उसी प्रकार ताड धातु के 2 अर्थ कहे जाते हैं। एक तो जब उसमें आ प्रत्यय जुड़ता है ताड़ना, तब पीटना अर्थ होता है, और यहां पीटना अर्थ है नहीं, पुरानी प्रतिका पाठ है, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो गीता प्रश्न सकल ताड़ना के कर दिया। ताड़नम माने शिक्षणम, कौटिल्य कहते हैं कौटिल्य, ताड़नम शिक्षणम। इस उनका एक श्लोक है, ताड़ने लालने बहवो दोषाः, ताड़ने बहवो गुणाः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च लालयेत् न ताड़ेत न तु लालयेत्। लालन में बहुत दोष है, ताड़न में बहुत गुण है। माने लालन माने दुलार करने में बहुत दोष है, और ताड़न माने शिक्षण। वहां टीका में कहते हैं ताड़नम शिक्षणम, ताड़ने बहवो गुण माने शिक्षणे बहवो गुणाः। शिक्षण में बहुत से गुण है। और इसके पहले वाली चौपाई में कहा समुद्र ने मोह सिख दी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी है।
उसी का अर्थांतरन्यास से समर्थन करता है समुद्र। क्यों अच्छा किया? क्योंकि पांच लोग शिक्षा के अधिकारी हैं। कौन कौन? ढोल, ढोल माने वाद्य बजाने वाले, ये शिक्षा के अधिकारी हैं। यदि नहीं शिक्षा नहीं दी जाएगी तो गलत बजा देंगे। गवार माने असंतुलित ग्रामीण व्यक्ति, अध्यात्म से अनात्म तत्व वहां टीका में लिखा भी। ग्राम की व्याख्या करते हुए पारस्कर ने कहा अनात्म तत्व वेत्रित्वम ग्राम्यत्वम, जो आत्मा को न जानकर केवल शरीर को जानता है उसे ग्राम्य कहते हैं। तो ढोल माने वाद्य बजाने वाले, गवार माने जो ग्राम्य अनात्म तत्व जो जानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। शूद्र माने सुचाद्राति। नरेंद्र महाराज इसीलिए देखिए आज आपको सुनाते हैं। इसी देखिए छांदोग्य उपनिषद में जब जानुश्रुत और रौक्य के संवाद का वर्णन आया तो रौक्य ने जानुश्रुत राजा को भी शूद्र कह डाला। क्यों कहा? उसने कहा मैं तो क्षत्रिय है। कहा तुम शूद्र की व्याख्या नहीं जानते। सुचा द्रातीति शूद्र है, जो अपनी जो चिंता से अपना संतुलन खो देता है उसे शूद्र कहते हैं। इसे ढोल माने वाद्य बजाने वाले, गवार माने जो अपने शरीर जो भौतिकवादी अपने शरीर को सब कुछ मान बैठा, शूद्र माने जो चिंता से असंतुलित हो गया, पशु जो धर्महीन हो गया, धर्महीना पशुवी समाना, और नारी महिला इनको ताड़न माने शिक्षण देना चाहिए, शिक्षण के अधिकारी हैं। यदि नारी शिक्षित हो जाएगी तो सारा वातावरण शिक्षित हो जाएगा। इसे अपने बालकों को संस्कारी बनाने के लिए पहले नारी को शिक्षित करना चाहिए। ये सब ताड़न के माने शिक्षण के अधिकारी। इसे देखे गोस्वामी जी उस समय रामचरितमानस लिख रहे थे मित्रों, जब मुगलों का राज्य था, मुगलों का शासन था, और इस्लाम धर्म में नारी को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इस्लाम धर्म में उसे केवल उसके मुख पर आवरण बुरखा डाल देते हैं, उसको नहीं पढ़ाना, तो कहते हैं नारी को नहीं पढ़ाना चाहिए उसको। केवल उन्होंने बच्चे के उत्पन्न करने की फैक्ट्री जैसे मान ली। एक एक नारी से 25-25 बच्चों को जन्म देना भेड़ों की भांति। और हमारे यहां परिवार नियोजन मनसा निश्चित था। हम मानते थे क्रियाओं द्वारा नहीं, एक ही पुत्र हो पर सुसंस्कारी होना चाहिए। एक नाप सुपुत्रेण सिंही स्वपित निर्भया सहैव बहुभिः पुत्रैर् भारं वहति गर्दभिः। एक पुत्र को जन्म देकर सिंहनी मस्ती में सोती है और गधी बहुत पुत्रों को जन्म देकर डंडे ही खाती रहती है। एक ही पुत्र हो परंतु संस्कारी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, सनातन धर्मावलंबी होना चाहिए। इस हजार पुत्रों को जन्म देकर क्या लाभ? पुत्र उतने ही हो जिनको हम संभाल सके, जिनको संस्कृति जितनों जिनको हम भारतीय संस्कृति से शिक्षित और दीक्षित कर सके। अतः नारी शिक्षण की अधिकारिणी है। पशु के समान अधर्म परायण व्यक्ति शिक्षण का अधिकारी है। चिंता से असंतुलित व्यक्ति शिक्षण का अधिकारी है। अनात्म तत्व का वेदी शिक्षा का शिक्षण का अधिकारी है। और वाद्य बजाने वाला शिक्षण का अधिकारी। इसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़ने के अधिकारी, सब ताड़ने के अधिकारी। इसमें कुछ करने की बात नहीं। इसके पहले वाली चौपाय पढ़ लीजिए। प्रभु भले कीन्हे मोही सिखे दीन्ही, प्रभु भले कीन्हे मर जादा पुनी तुम्हारी के ही, मर जादा। इसलिए रही बात शंबुक वध के, उत्तर बहुत अच्छा था इनका नरेंद्र जी का।
और दूसरी एक बड़ी रोचक बात है, बहुत रोचक बात है। अब मैं जो अभी अभी मैं जो कहूंगा, बहुत से अंश हमारे यहां डाले गए तो राम कथा को बदनाम करने के लिए। दशरथ जातक जो लिखा बौद्ध जातक उसे जोड़ करके लिखा गया। इसी प्रकार हुआ यह था कि शंबूक शूर्पणखा का बेटा था जिसको लक्ष्मण जी ने मारा था। इस शंबूक वध की कथा को जोड़ा गया लोगों ने केवल भगवान राम को अपमानित करने के लिए जोड़ा। सत्य है यदि राम जी को तपस्या से आपत्ति थी तो शबरी से कैसे कह दिया कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा कच्चित्ते वर्धते तपः। शबरी से भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है, तुम ठीक तपस्या कर रही हो। शंबूक को मारा इसलिए था जो अनधिकार चेष्टा कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अधिकार की अपनी बात करनी चाहिए। जिसको जो अधिकार मिला है उसका उसी का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने कभी भी शूद्र का अपमान नहीं किया। अपमान किया होता तो निषाद को कैसे गले से लगाते, कैसे गले से लगाते। आप जानते होंगे रामायण मीमांसा का जो पहला संस्करण छपा था, पहला वाला, पहले संस्करण में तो हम लोगों के सामने लिखी गई थी रामायण मीमांसा, करपात्र स्वामी लिख रहे थे जब मैं विद्यार्थी था। हमारे सामने घटना ये, पहले संस्करण में करपात्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा था कि शबरी जो है वो भिल्ल की कन्या है और भगवान राम ने उनका उच्छिष्ट उनका जूठन फल इसलिए खाया था कि भजन महिमा से भजन करते करते भजन महिमा के कारण शबरी अब शरीर धर्म से ऊपर उठ चुकी थी। इसलिए प्रेम पत्तन का यह वाक्य है संस्कृत का, प्रेम्णावशिष्टमुच्छिष्टम् भुक्त्वा फलचतुष्टयम् कृता रामेण भक्तानां शबरी कबरी मणि है। स्वयं लिखा गया कि प्रेम से अर्पित किए हुए उच्छिष्ट चार फल खाकर भगवान राम ने शबरी को भक्तों की शिरोमणि बना दी, माँ बना दिया। तेह मात जो रघुनाथ अपने हाथ जल अंजल दई। इसे कोई आपत्ति नहीं, भगवान भजन महिम भजन महिमना शबरी अपने संपूर्ण वर्ण धर्म शरीर धर्म से ऊपर उठ गई है। वो तो कह रही हैं कि अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं, मैं तो केवल विशुद्ध आत्मा हूं। अहम नो शरीरम ऋषि काणी नाहम मनो नैव बुद्धिर् न चाहम चित्तम् अहम राम सदा राघवियो जनोहम जनोहम। सोचिए भगवान राम ने यदि अपमान ही करना होता, चलिए शबरी को विवादित मानते होंगे पर केवट को तो सभी जानते हैं, एक बूंद चरणोदक भगवान राम का कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी चरणोदक से निकल पड़ी भगवती गंगा जी और आज केवट को कितने प्रेम से भगवान ने चरणोदक लुटाया। अति आनंद मैं भी अनुरागा कर सतह। श्री राम कथा में कहीं भी किसी का अपमान नहीं हुआ, श्री राम ने सबका सम्मान किया। और एक बात और कहूं,
जब आराध्य की चर्चा आती है कि हमारे जीवन का आराध्य कौन है, तो हम नहीं, स्वामी करपात्र स्वामी स्वयं कहते थे, पहला मंगलाचरण उनका यही होता था, नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कीर्तन में भी वो श्री राम जय जय राम ही कहते थे, श्री राम जय 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 राम जय राम ही कहते थे वो। इसका अर्थ है राम ही हम सबके आराध्य हैं, केवल राम। वो चाहे कृष्ण रूप में आ जाएं, चाहे शिव रूप में आ जाएं, चाहे दुर्गा रूप में, पर हैं रामचंद्र। जैसा को एक बहुत प्यारी बेटी एक गीत गाती है ना हमारे यहाँ साक्या, बहुत सुंदर गाती है कि चाहे राम कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम कभी राम बन के राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। इतने नहीं मित्रों, कभी रामानंदाचार्य रूप में आना, कभी रामानंदाचार्य बन के आना, और कभी शंकराचार्य बन के आना, और त्रिदंड हाथ लेके शास्त्र साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना। शत्रु का भी गुण कहना चाहिए और गुरुजनों का भी दोष कहना चाहिए। मैं तो कहूंगा चाहे जो कुछ रहा हो, पर अन्ना हजारे के अनशन को तो मानना पड़ेगा। देखिए संसद ने माना कि नहीं माना, भले उसको आप चाहे जो कहिए, जिसकी जो व्याख्या करते मैंने करे, पर इतना तो हुआ कि रामदेव के 7 दिन के अनशन ने क्या कर लिया, कुछ नहीं। 7 दिन में नमो राघवाय, थोड़ा विलंब होता तो गोविंदाय नमो नमः हो जाते, और 12 दिन तक उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचे, आप इतना 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 देखिए सोचना चाहिए, 12 दिन तक उस 12 दिनों तक उस वृद्ध ने अनशन किया। इतना तो मानना चाहिए, सत्य को मानना ही चाहिए। तो जिस प्रकार तेरह तो मैं जानता हूं पूरा, मैं तो 13वें दिन उस व्यक्ति उन्होंने अनशन तोड़ा। तो देखिए हम भी, ये भी साधुओं को जन्मभूमि की बात नहीं करनी चाहिए, पर हम तो देखो हम तो कह रहे हैं बुंदेलखंड मेरा कार्य क्षेत्र बुंदेलखंड है, चित्रकूट कर्म क्षेत्र। मैंने आप जानते हैं विकलांगों के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमने बनाया, वो आप चला भी रहा हूँ 10 वर्षों से। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं जहाँ हमारे विकलांग विश्वविद्यालय के बच्चे नहीं हैं। हमने तो विकलांगों को महेश्वर मान लिया, परंतु कर्मभूमि हमारी चित्रकूट है, पर जन्मभूमि हमारी जौनपुर है। मुझे गर्व है इस बात का, जन्मभूमि हमारी जौनपुर जिला है, जौनपुर जनपद है उत्तर प्रदेश का। वही जनपद है जहां सई उत्तरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। इसलिए हम आप और 2-4 लोग और मिलकर एक प्रस्ताव करें, हस्ताक्षर अभियान चलाएं,
कि रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित किए जाएं। गो माता राष्ट्रीय संपत्ति, पशु नहीं राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएं और हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो, गंगा राष्ट्र नदी घोषित हो। जब गंगा ठीक से राष्ट्र नदी घोषित होगी तो निश्चित रूप से निश्चित और भगवती गौ माता राष्ट्र संपत्ति घोषित होंगी, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो जाएंगे और हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य सुधरेगा। क्योंकि राम आतंकवाद के संबंध में जितने सूत्र रामचरितमानस में कहे गए हैं कहीं आज तक उतने सूत्र नहीं मिलते। और मैं शुभकामना करता हूं कि आने वाला चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, आने वाला चुनाव नक्शा बदल कर रहेगा, मुझे विश्वास है। मानचित्र बदलेगा यह, और मैं देख रहा हूं उस भविष्य को अपने बड़े प्यारे परिकर आयुष्मान राजेश भारद्वाज को। हम अब राजेश भारद्वाज को इसी चुनाव में हमारा मन है अतरौली से उतारा जाए एक बार। सब कुछ ठीक होगा, पूरा परिवर्तन होगा। आइए भगवान का नाम लेते हैं, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आरती करिए, सीताराम जय सीताराम, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति तल तल नित सुरती, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, आरती श्री राम,